मोर अपडेट्स के लिए दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ये बेल के आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं। गाइस, क्या आप भी ऐसा फ़ोन ढूंढ रहे हैं जो 4GB रैम वाला हो और उसमें मल्टीटास्किंग हो और आप गेमिंग कर सकें, बल्कि उसके प्राइस ऐसे हों कि आप उससे बिल्कुल संतुष्ट हो जाएं, आपके बजट में वो फ़ोन हो? तो दोस्तों, यहाँ पर आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ टॉप 10 फोन्स जो कि आपकी 12,000 की रेंज में, जिसमें 4GB रैम होगी और बैटरी बैकअप 4000mAh का होगा, और यहाँ पर आपको अच्छा कैमरा मिलेगा इन फोन्स में। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को टॉप 10 फोन्स यहाँ पर बताने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और आप हमारी नेक्स्ट वीडियो को देख पाएंगे। दोस्तों, यहां पर हम शुरुआत करेंगे इन्फिनिक्स हॉट S3 से। ये फोन कमाल का फोन है, इसमें आपको 4GB रैम मिलती है और 64GB तक की इंटरनल स्टोरेज मिलता है। तो दोस्तों, चलिए इसके फीचर्स देख लेते हैं। इसमें जो आपको प्रोसेसर मिलता है वो है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 430 ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिलता है, जो कि एंड्रॉयड 8 ओरियो पर वर्क करता है। यहाँ पर आपको 4GB रैम मिलती है, 64GB तक की रोम मिलती है, आप इसको 128GB तक की एक्सपैंड कर सकते हैं, 5.6 इंच की फुल HD डिस्प्ले मिलती है, बैक में आपको 13 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, फ्रंट में आपको 20 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। ये एक अच्छी बात है, प्लस पॉइंट है। यहाँ पर आपको 4000mAh की बैटरी मिलती है, डुअल सिम डिवाइस मिलता है, यहाँ पर आपको ब्लैक गोल्ड कलर्स में ये फ़ोन अवेलेबल हो जाएगा। इसका प्राइस रेंज बहुत बेस्ट है, इसमें आपको 10,999 रुपीज़ में यानी 11,000 रुपीज़ में ये फ़ोन आपको। तो दोस्तों, देखने में भी एक कमाल का फ़ोन है, और देखा जाए इसकी परफॉर्मेंस का तो 4GB रैम है, यहाँ पर आपको 64GB तक की इंटरनल स्टोरेज मिलता है, यहाँ पर आप 128 तक की इसको आप एक्सपैंड कर सकते हैं, 5.6 इंच की फुल HD डिस्प्ले मिलती है। बढ़िया फ़ोन है जो कि आपकी 12,000 की रेंज में आता है, आसानी से आप इसको बाय कर सकते हैं फ्लिपकार्ट या अमेजोन। दोस्तों, यहां पर अगर बात करें अपने सेकेंड फ़ोन की, तो वो हर सेगमेंट में खरा फ़ोन उतरता है, शाओमी का रेडमी नोट 5 और नोट 5 प्रो। यहां पर नोट 5 आपको 4GB रैम मिलती है और 64GB इंटरनल स्टोरेज मिलता है। तो चलिए इसकी डिटेल्स देख लेते हैं, स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं। यहाँ पर आपको 4GB रैम मिलती है, 64GB तक की रोम मिलती है, जिसको आप 128GB तक के एक्सपैंड कर सकते हैं, 6 इंच की फुल HD डिस्प्ले यानी 1080p की डिस्प्ले मिलती है, यहाँ पर आपको 12 मेगापिक्सल का बैक कैमरा मिलता है, फ्रंट में आपको 5 मेगापिक्सल कैमरा मिलता है, यहाँ पर 4000mAh की बैटरी मिलती है। यहाँ पर जो इसमें प्रोसेसर यूज़ किया गया है वो है स्नैपड्रैगन 625 चिपसेट यूज़ किया गया है, जो कि लेटेस्ट MIUI 9 पे आधारित है। इसकी जो बैटरी बैकअप है 4000mAh की बैटरी बैकअप है। अगर इसकी डिस्प्ले की बात की जाए तो डिस्प्ले इसमें बेजलेस टाइप की है, और कंपनी ने बताया भी है कि इसकी जो डिस्प्ले है वो बेजललेस है, तो देखने में एक बहुत ही अट्रैक्टिव फ़ोन लगता है। इसकी जो डिस्प्ले है, इसमें जो फ्रंट कैमरा दिया गया है, उसके हिसाब से देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव फ़ोन लगता है और बहुत ही कमाल का फ़ोन लगता है। तो इसकी जो प्राइस रेंज है यहाँ पर वो है 11,999 की, यानी आपको 12,000 रुपीज़ में ये फ़ोन मिल जाता है, Xiaomi का रेडमी नोट 5। मैं प्रो की बात नहीं कर रहा हूँ, रेडमी नोट 5 की बात कर रहा हूँ। तो ये आपको 12,000 रुपीज़ में आप इसको फ्लिपकार्ट से बाय कर सकते हैं, अभी अवेलेबल। दोस्तों, यहाँ पर जो हम लोग थर्ड फ़ोन की अपनी बात करने वाले हैं, वो भी अच्छा फ़ोन है और इसकी प्राइस रेंज भी बेस्ट है, और अगर आप इसको अमेज़ॉन से बाय करते हैं तो देखेंगे बेस्ट सेलिंग में फ़ोन है, अच्छा फ़ोन है, ज़्यादा बिका है और लोगों ने इसके रिव्यूज़ भी किए हैं। अगर आप इसको नेट पर देखना चाहें तो देख सकते हैं, टेनोर जी, इसका आपने नाम सुना होगा, टेनोर जी एक बेस्ट फ़ोन है। इसमें आपको 4GB रैम वाला वेरिएंट मिलता है, 3GB रैम वाला भी वेरिएंट मिलता है। 3GB रैम वाले में आपको 32GB इंटरनल स्टोरेज मिलता है, और 4GB रैम वाले में 64GB का इंटरनल स्टोरेज मिलता है, जिसमें आप 128 तक की अपग्रेड कर सकते हैं। तो देखने में तो एक बढ़िया फ़ोन लगता है, अच्छा लुकिंग फ़ोन है,
पर आइए देखते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन फीचर्स देखते हैं। इसमें आपको 4GB रैम मिलती है, 64GB तक रोम मिलती है, जिसको आप 128GB तक की एक्सपेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 5.5 इंच की फुल HD यानी 1080p डिस्प्ले मिलती है। इसमें आपको 13+13 मेगापिक्सल कैमरा मिलता है बैक में, यानी डुअल कैमरा मिलता है बैक में। आपको इसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिलता है। यहाँ पर आपको फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है फ्लैश लाइट के साथ। यहाँ पर आपको 4000 mAh की बैटरी मिलती है, जो यानी बैटरी बैकअप है। और इसकी प्राइस रेंज भी बेस्ट है। इसमें जो आपको प्रोसेसर मिलता है वो प्रोसेसर रेडमी नोट 4 की तरह है, यानी क्वालकॉम का ऑक्टो कोर स्नैपड्रैगन 626 का प्रोसेसर इसमें आपको मिलता है। तो इसकी अगर प्राइस रेंज की बात करें तो यहाँ पर इसकी प्राइस रेंज है 9999, यानी आपको 10,000 रुपीज़ में एक बेस्ट फ़ोन मिलता है। इसमें आपको डुअल कैमरा मिलता है, 4GB रैम मिलती है, आप इसको 128GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं। अगर आप इसकी कैमरे की क्वालिटी देखें तो आप 13+13 मेगापिक्सल का बेस्ट कैमरा मिलता है बैक में, और फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। अगर आप ज़्यादा डिटेल में इसके फ़ोन जानना चाहते हैं तो आप नेट पर रिव्यू इसके देख सकते हैं। मेरी तरफ से तो एक अच्छा फ़ोन है, पर अगर डिस्प्ले की बात किया जाए तो मैंने रिव्यूज़ देखे हैं इसके, तो डिस्प्ले इतनी बेस्ट नहीं है। पर अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात की जाए तो बेस्ट परफॉर्मेंस है, पर इसमें ओवरहीटिंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम शायद है। तो मुझे लगता है ये बेस्ट फ़ोन है और कमाल का फ़ोन है। पर थोड़ी सी अगर इसको लेना चाहते हैं तो आप इसका रिव्यू देख सकते हैं। मैंने इसीलिए इसको थर्ड नंबर पर रखा है क्योंकि इसमें 4GB रैम वाला वेरिएंट है और आपको सस्ता भी देता है, डुअल कैमरा भी मिलता है, 4000 mAh की बैटरी भी मिलती है 10,000 रुपीज़ में। और आप क्या लेना चाहेंगे? अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हैं तो आप इसको अमेज़ॉन से बाय कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। अगर दोस्तों मैं अपने फोर्थ फ़ोन की बात करूं तो यहां पर इसमें आपको बेस्ट बिल्ड क्वालिटी मिलती है, वाइब्रेंट डिस्प्ले मिलती है और इसकी बेहतरीन मार्केट मिलती है। अगर ये फ़ोन की मैं बात करूँ, ये नंबर 4 पे है Lenovo K8 Plus। ये एक बेस्ट फ़ोन और फीचर्स फ़ोन है। तो दोस्तों चलिए आइए इसके फीचर्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको 4GB रैम मिलती है, 32GB तक की रोम मिलती है आपको, जिसको आप 128GB तक की अपग्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 5.2 इंच की फुल HD डिस्प्ले मिलती है। आपको 13+5 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा मिलता है। फ्रंट में आपको 8 मेगापिक्सल कैमरा मिलता है, जिसमें आपको 4000 mAh की बैटरी मिलती है। आपको इसमें बैक में फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिलता है। इसके अगर प्रोसेसर की बात करें तो आपको इसमें हीलियो P25 प्रोसेसर मिलता है, जो कि सिमिलर होता है स्नैपड्रैगन 625 के। अगर आप इसमें गेम्स खेलना चाहते हैं, हैवी गेम्स लाइक एल्सल्ट और दूसरे गेम्स खेलना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत बेस्ट फ़ोन है क्योंकि इसमें कोई लैगिंग प्रॉब्लम होती नहीं है और ये एक बढ़िया फ़ोन है जो हीट नहीं करता है। इसमें आपको 3GB और 4GB रैम वेरिएंट वाला फ़ोन भी मिल जाएगा। इसमें इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत कमाल की है, आप इसको देख सकते हैं। और इसमें डुअल कैमरा सेटअप है, इसलिए इसको बढ़िया बनाता है। और इसकी वाइब्रेंट डिस्प्ले जो फुल HD डिस्प्ले है, 180 डिस्प्ले है, तो इसकी वजह से ये एक वन ऑफ द बेस्ट 4G फ़ोन है, 4GB रैम फ़ोन है। तो इसको मैंने 4 नंबर पे रखा है। ये आपको 11,000 रुपीज़ में मिल जाएगा। इसकी प्राइस रेंज है 10,999, तो आपको 11,000 रुपीज़ में ये फ़ोन मिल जाएगा। फ्लिपकार्ट से आप इसको बाय कर सकते हैं, मैं आपको लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। दोस्तों जो हम लोग पांचवें फ़ोन की बात करने वाले हैं वो माइक्रोमैक्स इवोक डुअल नोट। यहाँ पर ये बेस्ट फ़ोन है और इसमें आपको फीचर्स जान लेते हैं इस फ़ोन के। यहाँ पर आपको 4GB रैम मिलती है, 32GB रोम मिलती है, माइक्रो SD अप टू 64GB तक के आप इसको एक्सपैंड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 5.5 इंच की फुल HD डिस्प्ले मिलती है, 1080p, बैक में आपको 13 मेगापिक्सल कैमरा मिलता है, फ्रंट में आपको 5 मेगापिक्सल मिलता है। इसमें आपकी बैटरी बैकअप ज़्यादा अच्छा नहीं पर बेस्ट है, ठीक है। 3000 mAh की बैटरी बैकअप मिलता है आपको। इसमें आपको जो प्रोसेसर मिलता है वो मीडिया टेक का MT6750 मिलता है, जो कि आपकी 30% पावर कंजप्शन करता है, यानी बचत करता है 30% की। ये जो प्राइस रेंज इसकी है वो बहुत कमाल, आपको ये फ़ोन 8,000 रुपीज़ में मिल जाता है। तो दोस्तों इसकी प्राइस रेंज बढ़िया है, यहाँ पर आपको 8,000 रुपीज़ में एक बढ़िया फ़ोन मिल जाता है, इंडियन मार्केट फ़ोन है। और पर देखा जाए मार्केट में इतना नहीं चलता है, पर अच्छी क्वालिटी देता है, आप टिकाऊ फ़ोन
बैटरी बैकअप भी अच्छा होता है, एलईडी फ्लैश भी इसमें आपको मिलती है, इसमें आपको मेटलिक बैक मिलता है और गुड डिज़ाइन इस फ़ोन का है। तो ये प्राइस रेंज के हिसाब से बेस्ट फ़ोन है, बढ़िया फ़ोन है। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को आज टॉप 5 फ़ोन बताए। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा फ़ोन सही लगा और आप कौन सा फ़ोन लेना चाहते हैं। कमेंट भी करके पूछ सकते हैं कि आपको कौन सा फ़ोन चाहिए और हमें कौन सी वीडियो किस फ़ोन पे बनानी चाहिए। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आप क्या चाहते हैं आप हमें बता सकते हैं। अगर आपका कोई सजेशन हो तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट करके। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिए, और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।